नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। So, 34 years ago, I was growing up in Kuwait, and that's where my schooling was. Kuwait was considered to be a very safe place where there's no crime, tax-free haven. A lot of NRIs actually lived there. But there was a major global event that took place in 1990. Does anyone know what it was? So, war. Some people are saying it, right? So, it was a Gulf War. So I remember it was the first week of August, and my father, my grandfather actually moved to Kuwait in 1946, and we were three generations of entrepreneurs over there. My father had a successful business, he had a lot of employees, and we came back in August, and within a matter of days, there was a war that was declared in Kuwait, and suddenly Saddam Hussein and his tanks had just completely rolled into Kuwait, and overnight, suddenly the fortunes had completely changed. It was a very dramatic experience because we never imagined that there would be a war. Let go, we never imagined that. मधुर जी, आज का जो ये कार्यक्रम है प्रोत्साहन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पिछले 15 सालों से हम देश के जाने माने शिक्षा से संबंधित लोगों को, जो कि कुछ बता सकें, कुछ आगे हमें दिखा सकें, उनको हम बुलाते हैं और एक से एक शिक्षाविद आते हैं यहाँ पे, स्कूली एजुकेशन से संबंधित लोग आके, और इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में, इस प्रोत्साहन में छात्रों का और इवन हमारे स्टाफ का, हमारे सपोर्ट स्टाफ का, सबका प्रोत्साहन करते हैं। और ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से कम्बाइंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है सभी सनबीम्स का, जो हमारे 16,000 बच्चे हैं यहाँ पे, उन बच्चों में से जो ऑलराउंडर्स हैं, जो अपने क्लास में टॉप करते हैं, सेक्शन में नहीं, क्योंकि सभी सनबीम्स में, आठों सनबीम में अलग अलग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन उनके लेवल पे होती है पुरस्कार वितरण, लेकिन कम्बाइंड एक हम टॉपर्स का, ऑलराउंडर्स का एक बार करते हैं वर्ष में, वो आज ये कार्यक्रम था प्रोत्साहन का। इसमें शिव नाडर स्कूल के चेयरमैन और यंग और डायनेमिक एंटरप्रेन्योर जो HCL के चेयरमैन भी हैं आए हुए थे, शिखर मेहरोत्रा, और इस वर्ष के मुख्य अतिथि थे वो। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स आए, उन्होंने प्रोत्साहित किया बच्चों को, और मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है जो आज वो स्टेज पे आके हम सबसे पुरस्कृत हुए और उनको मोटिवेट किया, उनको प्रोत्साहित किया गया।
आप क्लाउन टाइम्स के माध्यम से बच्चों को क्या जो संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि कठिन पथ पे चलो, ऊंचे सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और सफलता तुम्हारे चरण छुएगी। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।